यार कैसा हो जाता है सब। चलो बच्चों, अब यहां देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहता है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजोल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। कितना आप ग्लूकोज डिजोल्व करोगे 180 ग्राम ऑफ वाटर में ताकि मोल फ्रैक्शन जो वेपर प्रेशर हो वो 20% रिड्यूस हो जाए। अब यहां देखो और तो कुछ दिया नहीं है, बस आपको 180 ग्राम ऑफ वाटर मतलब सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है और रिडक्शन इन वेपर प्रेशर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप यहाँ पे देखो क्या बोला है, वेपर प्रेशर में 20% का डिक्रीमेंट होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। देखो वेपर प्रेशर इसका मतलब पहले जो प्योर रहा होगा उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम रहा होगा, हम उसी को मान लेते हैं। लेट हमने क्या किया, मान लिया कि जो वेपर प्रेशर है किसका, प्योर लिक्विड का, मतलब प्योर लिक्विड मतलब अभी वाटर का प्योर वेपर प्रेशर हमने मान लिया कितना है 100। जब इसका मान लिया तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, 20% कम होगा, 20% कम होगा, 100 का 20% 20 आएगा, 20 माइनस कर दिया तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया भाई 80। अब देखो ये दोनों चीज मिल गई तो अब हमारा काम आसान हो गया। और हमने एक फॉर्मूला आपको लिखाया था कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए। पन्ना पीछे पलटिए, देखिए लास्ट फॉर्मूला यही रहा होगा। तो हमें पहले वेट निकालने के लिए हमें पहले मोल पता होना चाहिए, मोल पता रहेगा तभी तो हम वेट निकाल पाएंगे। चलो तो अब देखो यहाँ पे जो भी चीज दी गई है पहले रख दो उसको। तो ये हो गया 100 माइनस 80 अपॉन 80 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी, हमें नहीं पता है मोल्स ऑफ ए। वाटर का कितना लिया है 180 ग्राम और मोलर मास वाटर का क्या होता है 18। तो इसको सॉल्व कर लिया भाई, तो मोल्स ऑफ बी क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 होगा, यहाँ से 5 by 2 मोल्स ऑफ बी हमें को मिल गया 5 by 2, ये मोल आया। तो अभी हम लोग मोल्स क्या होता है, मोल्स क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, हमें यही गिवन मास निकालना है। तो गिवन मास क्या हो जाएगा, मोल्स 5 by 2 इनटू मोलर मास किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मोलर मास आपको याद होना चाहिए कितना होता है 180। तो यहाँ हो जाएगा 99 5 45 450, कितना आएगा 450 ग्राम। ये क्या आ गया भाई, वेट ऑफ सॉल्यूट के कितना आपने कितना वेट मिलाया 180 ग्राम वाटर में ताकि उसका वेपर प्रेशर 20% रिड्यूस हो जाए। तो इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे अगर उस लेवल की चीज़ें हमें नहीं दी गई होंगी तो। ठीक है, समझ में आ गया, चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे एक और दो क्वेश्चन लेते हैं। चलो बच्चों अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है बेटा, क्या कहता है 30 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 360 ग्राम ऑफ वाटर। 30 ग्राम हमने सॉल्यूट लिया हुआ, उसको 360 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक चीज यहाँ पे एक नई चीज दे दी गई है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 570 mm ऑफ HG, देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमने फॉर्मूला लिखा था पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, ये फॉर्मूला लिखा था। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमको गिवन है, देखो ये सॉल्यूशन का प्रेशर तो हमें दिया गया है 570 है, ये 570 है, यहाँ 570 आ जाएगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये तो निकल जाएगा लेकिन इसका हमें मास नहीं पता है, मतलब ये आप इसका लिखोगे तो ये हो जाएगा 30 by इसका मोलर मास अपॉन सॉल्वेंट तो वाटर है, तो ये तो पता जाएगा 360 upon 18। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें अननोन हो रही है, क्या एक तो पी नॉट ए और एक ये एम। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हमें एक ही इक्वेशन दी गई हो, दो अननोन दिए गए हो तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या?
नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि हमें इस क्वेश्चन में और भी कुछ ढूंढना पड़ेगा कि एक चीज हमें और कोई मिल जाए तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि एक इक्वेशन दो अननोन तो कभी सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे हम लोग। अगर दो अननोन से है तो दो इक्वेशन पता होनी चाहिए, या तो इसमें से केवल एक अननोन जो है वो पहले से वैल्यू हमें पता हो, तब तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखो इस क्वेश्चन को मैं लेने का तरीका को मैं लेने का मेन मकसद यही था कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता पाऊँ। देखो अब यहाँ पे क्या है कि आपको दिया गया है कि 360 ग्राम वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड डिजोल्व किया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब आपको पता होना चाहिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता क्या बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, ये आपका होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब वाटर इस टेम्परेचर पे क्या होता है, बॉयल होता है, ये सबको पता होगा। तो अब ये देखो अब इस पे एक कॉन्सेप्ट यहां यूज होगा, नोट करके आप लोग लिख लेना क्या लिखना है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे वेपर प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। और आपको पता होगा इफ एक्सटर्नल प्रेशर अगर एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 atm, आपको पता होगा एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है 1 atmospheric प्रेशर, या इसी को हम लोग बोलते हैं 760 mm ऑफ Hg। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm होता है देन दैट पॉइंट इज नोन एज इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कौन सा पॉइंट जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया होता है। ये समझ गए आप कि अगर आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिख गया और वाटर है, वाटर के केस में हम बात कर रहे हैं, अगर वाटर है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिख गया, इसका मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर के। एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है 1 atm या 760 mm ऑफ Hg। अब यहाँ पे Hg में दिया गया है, इसका मतलब है अब हमारा वेपर प्रेशर जो होगा P0A ये किसके इक्वल हो जाएगा 760। अब देखो अब हमारा काम आसान हो गया, आपको हमें सारी चीजें मिल गई जो जो चाहिए होती है। अब देखो रख दो वहां पे, तो ये हो जाएगा 760 माइनस 570 अपॉन 570 इज इक्वल टू 30/m अपॉन 360/18। तो इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर निकालना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, ये आएगा 4.5, मतलब यहाँ से आप मोलर मास निकालोगे सॉल्यूट का तो क्या आएगा 4.5 ग्राम। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ये आपको आंसर मिल गया 4.5। इस क्वेश्चन को लेने का मेन मकसद यही था कि ये कॉन्सेप्ट में मुझे आपको बताना था। हाँ, वाटर के केस में होगा बेटा, अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट दिया हो गया, जैसे आपको बोल दे केरोसिन, केरोसिन में डिजोल्व किया गया तो हमें केरोसिन का कुछ नहीं पता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता है, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो वाटर केस में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसको आप लोग याद रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलो बच्चों अब हमने पहला केस तो पढ़ लिया, इस पर न्यूमेरिकल वगैरह लगा लिए, हम लोग दूसरे केस की तरफ चलते हैं। दूसरा केस क्या है हमारा, केस टू।
केस टू हमारा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर वोलेटाइल सॉल्यूट है तब उसके बाद उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, अब हम इस पे बात करते हैं। अब देखो ये है कैसा सॉल्यूशन जो जिसमें वोलेटाइल सॉल्यूट है। सॉल्यूशन बनता कैसे है, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो होता है इसमें सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है, दो चीजों से मिलके बनता है, सबको पता होगा। तो अब चलो अब हम बात करते हैं फिर से वही जो पांच चीजें हमने प्रीवियस में बताई थी, क्या क्या। अब सबसे पहले इनका हम नेचर की बात करेंगे, नेचर कैसे होंगे दोनों के, फिर उसके बाद फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, फिजिकल स्टेट की, फिर इसके बाद मोल फ्रैक्स वेपर प्रेशर की, वेपर प्रेशर, तीन हो गया, चौथा मोल्स की बात करेंगे और लास्ट मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन की। अब देखो क्या क्या सॉल्यूट का क्या स्टेट होगा, सॉल्वेंट का क्या होगा, अब इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखो जब हमें वोलेटाइल सॉल्यूट है इसका मतलब नेचर क्या हो गया, नेचर का दोनों का क्या हो गया, वोलेटाइल। प्रीवियस वाले में केस वन में क्या था, ये हमने नॉन वोलेटाइल लिया हुआ था, लेकिन अब यहां पे दोनों हमने क्या लिए हैं, वोलेटाइल। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल। फिजिकल स्टेट क्या होगी, प्रीवियस केस में ये सॉल्यूट क्या था, सॉलिड था, लेकिन अब यहां पे क्या होगा, यहां पे ये लिक्विड होगा और यहां पे भी सॉल्वेंट भी लिक्विड ही होगा, ठीक। वेपर प्रेशर की बात करें तो प्रीवियस वाले में क्या था कि वेपर प्रेशर किसकी वजह से था, केवल सॉल्वेंट की वजह से था, क्योंकि जो सॉलिड सॉलिड लिया था हमने वो तो वेपराइज होगा नहीं, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर तो कुछ था ही नहीं, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, दोनों हमारे प्योर फॉर्म में ही होंगे, तो इसका मतलब दोनों का अपना अपना वेपर प्रेशर होगा। तो इसका वेपर प्रेशर मान लिया सॉल्यूट है तो पी नॉट बी, सॉल्वेंट का क्या मान लिया, पी नॉट ए, ये हमने वेपर प्रेशर मान लिए। और मोल्स की बात करें तो अब मोल्स इसके निकालेंगे, तो मोल्स क्या होंगे, एन बी, एन बी मोल्स को हम लोग क्या लिखते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। अब मोल्स ऑफ ए निकालना है सॉल्वेंट का, तो वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, ये हो गया। फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एक्स बी, एक्स बी क्या होगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन नीचे टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो ये एक्स ए होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन नीचे टोटल मोल्स, ठीक है। तो ये इनका कंडीशंस हो गई हमारी कि क्या फिजिकल स्टेट होगा, क्या नेचर होगा लिक्विड, नेचर कैसा होगा इनका, फिर उसके बाद वेपर प्रेशर क्या होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि जैसे मान लिया एक हमने कंटेनर लिया, क्या लिया, कंटेनर लिया, एक और कंटेनर ले लिया, हमने क्या किया, दो कंटेनर लिए, ठीक है। अब दोनों में क्या होगा, जैसे ये हमारा क्या है कि सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, अब इसमें देखो सॉल्वेंट हमने क्या लिया, लिक्विड लिया है, जिसके मॉलिक्यूल्स सरफेस पे होंगे, तो ये किसके मॉलिक्यूल्स है, ए के, और ये क्या है, प्योर फॉर्म में है। अब ये क्या होंगे, वेपराइज होंगे, ठीक है, और यहां भी इस
किसके वो मिलेंगे वेपर्स, एक ही मिलेंगे, एक ही वेपर्स मिलेंगे। अब इस जो सॉल्वेंट लिया गया इसका वेपर प्रेशर हमने क्या लिया हुआ है, पी नॉट ए, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। अब यहां पे क्या किया, यहां पे हमने लिया हुआ है दूसरा वोलेटाइल सॉल्यूट। अब यहां पे क्या है, ये बी है, सॉल्यूट है, ठीक, ये भी प्योर फॉर्म में है क्योंकि ये भी लिक्विड है। अब ये भी क्या होगा, वेपराइज होगा, और इसके भी क्या मिलेंगे, वो वेपर्स मिलेंगे, इनके भी बीच क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, इनके भी बीच क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। और इस सॉल्यूट का वेपर प्रेशर हमने क्या माना है, पी नॉट बी। अब देखो जो ये दो एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट लिया है, अब दोनों के वेपर प्रेशर है, अब इनका वेपर प्रेशर किसका ज्यादा किसका कम होगा, तो अब हमें तो ये पता नहीं, तो हम यहीं पे लेट कर लेते हैं। लेट जो पी नॉट ए है ये ग्रेटर है पी नॉट बी से, ये मान लिया कि पी नॉट ए जो है मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ये ज्यादा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट से, है दोनों वेपराइज होंगे, दोनों ही होंगे, दोनों लिक्विड हैं, लेकिन अब किसी ने किसी को तो मानना ही है, एग्जैक्टली बराबर तो होंगे नहीं, तो इसलिए हमने मान लिया कि ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है बी से। अब हमने क्या किया, इन दोनों को उठाया और एक नए से डिब्बे में ले आके बंद कर दिया, दोनों को उठा करके एक नए से डिब्बे में ले आके कंटेनर में हमने बंद कर दिया, ठीक। अब यहां पे क्या होगा, सरफेस पे अब इसके सरफेस पे दोनों के ही मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ये मान लिया ए है, और इसको मान लिया बी के मॉलिक्यूल्स, ठीक, तो वेपराइज भी दोनों ही होंगे, जाहिर सी बात है। अब वेपर्स भी दोनों के ही मिलेंगे, अब देखो यहां पे अब ये क्या है, ये था सॉल्वेंट, ये था सॉल्यूट, ये है सॉल्यूशन, ये क्या है, सॉल्यूशन है। अब ये देखो यहां एरो छोटा बड़ा इसलिए बनाया गया है, क्यों बनाया गया, इसका रीजन है क्योंकि हमने किसका वेपर प्रेशर ज्यादा माना है, ए का, ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब है कि ए के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जल्दी वेपराइज होंगे, इनके मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे सरफेस पे और ये वेपराइज भी ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे इसलिए इनका वेपराइजेशन रेट ज्यादा होगा, इसलिए हमने इसके एरो को ज्यादा बड़ा बनाया और यहाँ पे वेपर भी ए के ज्यादा दिखाएं बी के कम दिखाएं, क्यों, क्योंकि रीजन ये है कि पी नॉट ए बड़ा है पी नॉट बी से, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन हो गया, अब ये क्या हो गया, ए प्लस बी का मिक्सचर हो गया, और आपको एक चीज पता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर से कम ही होता है, प्योर से कम होता है, ये पता है। अब यहां से एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिल गया कि इसका वेपर प्रेशर मान लिया कि P है, इसका वेपर प्रेशर माना कि क्या है, P है। अब ये P जो है ये क्या होगा, P नॉट B से तो बड़ा होगा लेकिन P नॉट A से छोटा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो हो सकता है आपको क्वेश्चंस में सॉल्व न करना पड़े और ये इसके थ्रू ऑप्शन देख के आगे आंसर टिक कर लो। तो देखो
ये क्या होगा, अब आपको ये तो पता है कि सॉल्यूशन किसका भी, किसी का भी बना लीजिए, चाहे चाहे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लीजिए, चाहे वोलेटाइल सॉल्यूट लीजिए, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम ही होगा। तो इसका मतलब हो गया, अब जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो अब बड़ा कौन था, पी नॉट ए था, तो इससे तो हमेशा कम आएगा और इससे अधिक आएगा। तो अब ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज मिल गई हमको, ठीक है। चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं, ओके। अब देखो जो वेपर प्रेशर होता है ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ लिक्विड पे, साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करती। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मास पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन मास। तो ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये साइज ऑफ कंटेनर, कितना ही बड़ा साइज ऑफ कंटेनर ले लिए उस पर डिपेंड नहीं करती है, ना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। चलो तो अब देखो क्या होगा, जो ये प्रेशर होगा ये क्या होगा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के बराबर होगा। जो टोटल प्रेशर हमारा होगा ये ए के पार्शियल प्रेशर और बी के पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। और आप लोग पीछे पढ़ चुके हो राउल्ट्स लॉ में, पी ए क्या होता था, पी ए होता था वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। ये क्या होता था, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर। ये पी नॉट ए तो क्या था, प्योर फॉर्म में था वेपर प्रेशर। अब ये पी ए क्या है, वेपर प्रेशर है किस ए का, सॉल्यूशन में। अब ये क्या होता था, ये आपको पता था कि ये क्या होता था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यही पढ़ते ना राउल्ट्स लॉ, क्या था कि वेपर प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और हम लोग एक चीज और जानते हैं कि पी बी अगर होगा, ये भी लिक्विड ही था, तो इसका वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो बी का वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में, ये किसके बराबर होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में उठा के रख दीजिए, तो टोटल प्रेशर जो होगा पी, ये क्या हो गया, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब देखो यहां से ये हमारा पहला फॉर्मूला मिल गया, अब आप इसको क्या करो कि सर्कल कर लो, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो अब देखो एक चीज आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता था, वन। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं और ये हो जाएगा वन माइनस एक्स बी। अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखो, तो P इज इक्वल टू पी नॉट ए, ये मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो यहाँ से क्या मिल गया, टोटल प्रेशर जो हो गया ये हो गया पी नॉट ए प्लस P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू एक्स बी। एक ये भी फॉर्मूला मिल गया, इसको भी घेर घार लो, ये इक्वेशन वन बना दिया, ये इक्वेशन टू बना दिया। अब देखो अगर ये हमने एक्स बी के टर्म में लिखा है, अगर एक्स ए के टर्म में लिखना हो तो आप क्या करोगे, एक्स बी की वैल्यू उठाओगे यहां रख दोगे। मैं डायरेक्ट बताता हूं कैसे लिखना है, देखो जब b का मोल फ्रैक्शन लिया है तो यहां a से स्टार्ट करोगे, a b a b, ध्यान दो। अगर b का मोल फ्रैक्शन लिया है तो a से स्टार्ट करो, p नॉट a प्लस p नॉट b माइनस p नॉट a इंटू एक्स बी। अगर आपने वहां पे a का मोल फ्रैक्शन ले लिया, आपने क्या किया, a का मोल फ्रैक्शन ले लिया, तब यहां b से स्टार्ट करो, तो ये हो जाएगा p नॉट b प्लस फिर a आएगा p नॉट a माइनस फिर b आएगा p नॉट b इंटू एक्स बी एक्स ए। ये हमारा आ गया तीसरा, समझ में आ गया। तो
इस तरीके से आप याद कर सकते हो, नहीं याद हो रहा है तो बस यहां से xb की वैल्यू उठा के यहां रख देना, आ जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसका यूज आपको बहुत जगह मिलने वाला है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा केस टू था। केस टू में हमने टोटल प्रेशर निकाल लिया कि क्या होता है ये पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस करेंगे। नोट कीजिए इसको, देखो बच्चों अभी हमने क्या किया, तीन फॉर्मूले बताए ना, p इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये पहला था हमारा। दूसरा क्या था, p इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, ठीक है। अगला क्या था, p इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए, ये तीन फॉर्मूले हमने पढ़े। अब देखो हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले देखो ये किस टाइप का फंक्शन दिख रहा है। देखो इसको अगर हमने y मान लिया, प्रेशर को y मान लिया, तो आपको पता है ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है ना, जो वेपर प्रेशर होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई रहेगी, ये सी हो गया प्लस ये भी क्या आएगा, दो कांस्टेंट का डिफरेंस कांस्टेंट ही आएगा। इसको हमने मान लिया m और ये x, तो देखो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का दिख रहा है फंक्शन ना। तो इसका मतलब है कि अब अगर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में आपको ग्राफ खींचना है तो ये कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, और इसका y इंटरसेप्ट क्या आएगा, c आएगा। मतलब y इंटरसेप्ट क्या आएगा, अगर आपने प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ a में खींचा तो उसका y इंटरसेप्ट p नॉट b आएगा, और उसका स्लोप क्या आएगा, p नॉट a माइनस p नॉट b। अगर आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ b और प्रेशर में खींचा तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट p नॉट a आएगा और इसका स्लोप p नॉट b माइनस p नॉट a आएगा। तो चलो अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था इस चैप्टर में आपको दो ओरिजिन्स मिलेंगे, बताया था ना कि दो ओरिजिन्स पे ग्राफ प्लॉट होगा। अब देखो अगर हमने मान लिया, अगर हमने मान लिया लाइन सीधी नहीं बन पा रही है, दिमाग भी टेढ़ा हो गया आजकल, ठीक है। अब देखो क्या है कि अब हमने अगर इसको जीरो लिया है और हमने अभी हम एक्स ए के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं एक्स ए के लिए, और इस पे हमने क्या लिया है, वेपर प्रेशर लिया है। वेपर प्रेशर और एक्स ए के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो देखो जब ये एक्स ए की वैल्यू जीरो हो गई, जब एक्स ए की वैल्यू आपने जीरो की, अब P किसके बराबर हो गया, P नॉट B, ये Y इंटरसेप्ट हो गया ना, P किसके बराबर हो गया, P नॉट B, P नॉट B मान लिया यहां पे ही पे है P नॉट B। जब XA की वैल्यू 1, ये हमेशा 0 1 के बीच में ही हो सकती है, क्योंकि 0 का मतलब हो गया वो वेपराइज नहीं होगा, वो सॉलिड हो सकता है, और 1 का मतलब वो प्योर लिक्विड है, उसकी सॉलिबिलिटी कंप्लीट, मतलब कंप्लीट वेपराइज हो जाएगा। तो अब इसका वेपर, अगर x की वैल्यू 1 लिया तो पी बी प्लस पी ए माइनस पी बी, पी बी पी बी कैंसिल हो गया, क्या आ गया, p की वैल्यू p नॉट a के बराबर आ गई। अब x की वैल्यू 1 लिया तो p वेपर प्रेशर p नॉट a के बराबर आया, और आपको पता है पहले ही मैंने मान लिया है कि p नॉट a p नॉट b से बड़ा है, तो इसका मतलब p नॉट a यहां कहीं आ गया, p नॉट a। अब क्या है कि अभी आपने देखा कि ये कैसा है, लीनियर इक्वेशन है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो आपने क्या किया, पी नॉट बी पी नॉट ए को मिला दिया, तो ये क्या हो गया, यही आपका वेपर प्रेशर है पी, यही क्या है, पी है वेपर प्रेशर।
अब अगर आपने जो हमारा राउट ला था वहां पे भी हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था तो वहां पे देखा था कि यही ग्राफ जीरो ओरिजिन से जा रहा था क्योंकि वहां पे क्या था P इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था P इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब यहाँ पे एक्स ए अगर जीरो रखोगे तो P की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो वहां पे यहाँ पे ग्राफ कैसा था ऐसा था। तो ये क्या है P इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब देखो ये तो हो गया। अब देखो अगर हमने इसी एक्सिस पे ये एक्स ए इधर लिया हुआ है तो एक्स बी को हमें किधर लेना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा। ये इधर हमारा एक्स बी हो जाएगा। क्यों एक्स बी होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक्स ए और एक्स बी का सम क्या होना चाहिए, वन से ज्यादा तो हो नहीं सकता, वन होना है। इसका मतलब अगर एक्स ए इधर लिए हैं तो एक्स बी को इधर लेना पड़ेगा, तभी तो वन हो सकता है। तो अब देखो एक्स बी को इधर लिया इसका मतलब इसके लिए जीरो इधर हो जाएगा और वन इधर हो जाएगा। तो अब देखो एक्स बी को अगर जीरो रखा तो P की वैल्यू P नॉट A के बराबर आ गई। P की वैल्यू P नॉट A के बराबर आ गई। और अगर एक्स बी की वैल्यू को 1 रख दिया तो आपको मिल गया P इज इक्वल टू P नॉट B। तो इसका मतलब है कि एक्स ए अगर एक्स बी को 0 रखा तो P P नॉट A के बराबर आ गया, ठीक है, जीरो पे पी नॉट ए। और एक्स बी की वैल्यू अगर वन रख दिया तो ये पी पी नॉट बी के बराबर आ गया। तो इसका मतलब वन पे पी नॉट बी, एक्स इस पे पी नॉट ए। तो अब इसका मतलब ये देखो ये ग्राफ होगा पी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी का। तो ये तीन लाइंस आपको याद रखनी है, ठीक है, ये तीन लाइंस हमको याद रखनी है। ये है हमारा ग्राफ, ठीक है, इस पर हमने वेपर प्रेशर लिया है, इस पर मोल फ्रैक्शन लिया हुआ है। ये है, इस पर हमारा क्या है वेपर प्रेशर है और इस पर क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन है। तो ये हमारा क्या है इस केस का ग्राफ है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो आपको इस टाइप के ग्राफ ही दिखेंगे इस चैप्टर में। ओके चलो इसको नोट कर लो, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन छोटा सा करते हैं बेटा। मान लिया हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इसमें हमने ए लिया हुआ है, ए के दो मोल लिए हुए हैं और वेपर प्रेशर जो है ए का दिया हुआ है 200 mm। हमने इसी में बी भी लिया हुआ है, बी के लिए हुए हैं 3 mole और इसके वेपर प्रेशर इसका दिया हुआ है 500, ठीक है। तो कहता है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पहले तो ये निकाल लो, फिर दूसरा कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 420। ये दो चीज फाइंड करनी है। तो देखो अब यहाँ पे 2 mole किसके दिए हुए हैं, ए के, और 3 mole दिए हैं बी के। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। एक्स ए का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो ये आएगा 2/5 और एक्स बी का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो ये आएगा 3/5 क्योंकि टोटल मोल्स अपॉन टोटल मोल्स होते हैं। तो 2/5 आ गया एक्स ए का और 3/5 आ गया एक्स बी का। और हमने फॉर्मूला पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए, क्या पढ़ा था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो अब देखो पी नॉट ए पता है 200 इंटू 2/5 प्लस 500 इंटू 3/5। सॉल्व किया तो देखो कितना आता है, ये आ गया 380 mm। ये हमारा mm ऑफ Hg, mm ही नहीं है, ये हमारा वेपर प्रेशर तो मिल गया हमें, किसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का मिल गया। अब देखो हमें क्या निकालना है, वेपर मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है। तो अब वेपर प्रेशर A, अरे मोल फ्रैक्शन A का निकालना है। अब हमें फॉर्मूला कौन सा रखना पड़ेगा जो हमें मोल फ्रैक्शन A में था,
अब देखो ए में था तो बी से स्टार्ट करोगे, याद करने का तरीका देखो, बी नॉट बी प्लस फिर ए आएगा पी नॉट ए, फिर माइनस आएगा पी नॉट बी इंटू क्या आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक, अब पी तो आपको दे दिया गया है 420, पी नॉट बी आपको दिया ही है, तो अब हम डायरेक्ट यहां से निकाल लेते हैं एक्स ए की वैल्यू हो जाएगी, पी हो गया 420 माइनस पी नॉट बी, ये हो गया 500 अपॉन पी नॉट ए 200 माइनस 500। सॉल्व किया तो एक्स ए की वैल्यू आपको मिल गई 4 बाई 15। ये हमारा क्या मिल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, अब देखो एक मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, ये आपको हर जगह काम देगी। किसके किसके लिए काम देगी, आप वेपर प्रेशर निकाल रहे हो, एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे हो, एवरेज मॉलिकुलर मास निकाल रहे हो, मोलैलिटी निकाल रहे हो, मोलैलिटी निकाल रहे हो, सब पे ये चीज़ लगेगी। अगर मान लीजिए आपको मोल फ्रैक्शन ए पूछ रहा है, जो भी चीज़ पूछ रही थी, यहाँ तो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो गिवन होगा यहाँ पे आएगा। मतलब मान लीजिए अगर हम यहाँ पे वेपर प्रेशर फाइनल जो भी लिख लीजिए माइनस, अब देखो ए का पूछ रहा है तो वहाँ पे आएगा बी का, ए का पूछ रहा है तो बी का वेपर प्रेशर आएगा अपॉन दोनों का डिफरेंस आएगा वी ए माइनस वी बी। तो ये याद रखिएगा, अगर एवरेज एटॉमिक मास के लिए होगा तो वहाँ पे वो चीज़ आ जाएगी, तो ये सबके लिए अप्लाई होगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे देख बात किया जाए तो अब ये हो गया, देखो ये 420 हो गया माइनस बी का वेपर प्रेशर कितना है भाई 500 अपॉन दोनों का डिफरेंस 200 माइनस 500, सेम चीज़ आ गई ना, तो ये आपका टाइम बचाएगी और इसे भी क्या आएगा 4 बाई 15 आएगा, इससे आपका क्या होगा टाइम बचेगा। तो आप ये भी याद रखो, अगर ये नहीं याद है, ये तो जनरल है, इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो तो आज काफ़ी कुछ किया हम लोगों ने, क्वेश्चंस भी लगाए, थ्योरी भी पढ़ ली, तो इतना आप एक बार रिवाइज करना, नोट कर लीजिए इसको, इतना आप इसको रिवाइज करना, रिवाइज करोगे तो आगे क्वेश्चंस जो अभी आप लगाओगे आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हो या कहीं और से भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।